हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन पाठशाला। मैं रुशाली, पैशन पाठशाला जो इंडियन फर्स्ट ऑल वुमेन एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मैं वहां आपका स्वागत करती हूं। एंड फ्रेंड्स, ये हमारा फेसबुक पेज है पैशन पाठशाला का, आप यहां जाके भी हमारी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। एंड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। और हम एसएससी सीएचएसएल का टारगेट लेके ही चल रहे हैं, जो एग्ज़ाम हमारे होने वाले हैं बहुत जल्द, और जिसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और 19 तारीख से फॉर्म भी भरना शुरू हो जाएंगे। और तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, वो चार क्रमिक सम संख्याओं का योग हमारा कितना है, 44। तो इन संख्याओं के वर्गों का क्या योग होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं तो इन्हीं ऑप्शन में से टिक करके हमको सही आंसर बताना होगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे चार क्या बोल रहा है, चार क्रमिक सम संख्या, सम संख्या बोल रहा है। तो सम संख्या हम जानते हैं कि जो दो से कट जाती है, मैं बता चुकी हूँ इवन नंबर क्या होते हैं, ये बेसिक इसका बता चुकी हूँ मैं, इसका इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का, तो वो आप देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियो में, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो बताते हो कि सम संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है जो हमारी दो से कट जाती हैं। तो बोल रहा है चार क्रमिक सम संख्याओं का योग, तो संख्या पहले मान लेते हैं कि संख्या हमारी कौन है, x है, x मान ली हमने संख्या। अब बोल रहा है चार क्रमिक बोल रहा है ना, तो हमने एक x मान ली, दूसरी मान ली x प्लस दो मान ली, तीसरी मान ली x प्लस चार मान ली, फिर चौथी मान ली x प्लस छः मान ली, ये हमने संख्या मान ली। दो चार छः क्यों मानी, क्योंकि ये दो से क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं, तो हमारी क्या हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी। ठीक, ये संख्या मान ली जिनका योग हमारा कितना दे रहा है, 44 दे रहा है। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं x प्लस दो प्लस एक्स प्लस चार प्लस एक्स प्लस छः बराबर कितना, 44 दे रहा है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 12 बराबर कितना, 44। हाँ, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें x बराबर मिल जाएगा, x बराबर मिलेगा इसको हो जाएगा 32 बटे 4 मतलब कि 8। तो हमें x की हमें संख्या क्या मिली, 8 मिल गई। अब क्या कह रहा है, इन संख्याओं के वर्गों का योग बोलना है, इन संख्याओं का, तो हमें संख्या 8 मिल गई, 8। तो 8 की अभी चार संख्या और ले लेते हैं, तो 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, 14, ये हमारी सम संख्या हो गई। अब बोल रहा है इनका वर्ग, वर्ग इनका करेंगे तो इनका जब वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 8 का स्क्वायर, फिर प्लस 10 का स्क्वायर, फिर प्लस 12 का स्क्वायर, फिर प्लस 14 का स्क्वायर। इनका क्या कह रहा है, वर्गों का योग क्या होगा ना, तो इनको वर्गों का योग करेंगे तो जब 8 का करेंगे तो हमें मिलेगा 64, फिर 10 का करेंगे तो मिलेगा 100, फिर 12 करेंगे तो 144, फिर किसका करेंगे, 14 करेंगे तो 196 ये मिलेगा। दोनों सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमको मिलेगा कितना, 504 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो हमारा जो आंसर जाएगा वो हमारा क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें हमारा आंसर चला जाएगा, क्योंकि 504 तो है नहीं, 502 है, पर 504 चाहिए क्योंकि हमारा आंसर आया है 504, तो 504 नहीं है इसमें, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 93 का 2/3 और 104 के 3/4 से कितना कम है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि 93 का 2/3 भाग है ना जो है वो 104 के 3/4 से कितना कम है। तो देखते हैं कैसे हम क्या करेंगे इसमें, कि हम करेंगे 104 कि 104 गुणे 3/4 है ना, इससे बोल रहा है कि इससे ये हमारा 93 वाला कितना कम है ना, तो इसी में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे गुणे 2/3 को, इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 78 माइनस 93 गुणे, एक बार इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 62, बस घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 16 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा किस में जाएगा, 16 में। इसी तरह इस दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला नीचे वाला भी ऐसा ही है, क्या कह रहा है ये कि 845 का 3/5 333 के 2/3 से कितना बड़ा है। ऊपर वाले में क्या कह रहा था, कितना कम है, ये कह रहा है कितना बड़ा है, है ना। तो इस वाले से ये कितना से कितना, इस वाले से ये हमारा क्या है, कितना बड़ा है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल 845 है वही चीज़, 3/5 और फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे
333, ये सीधा सीधा हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, कितना बड़ा पूछ रहा है, तो इसको हम सीधे सीधे कर सकते हैं। अगर कम पूछता तो इधर वाली संख्या से जो बड़ी होती है ना उससे घटाते हैं हम, उससे बड़ी वाली से छोटे वाली को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसमें तो इधर ही लिखा हुआ है कि 845 बड़ी है, 333 छोटा है, तो बड़ी वाली से हमेशा छोटी वाली को ही घटाएंगे। तो ये 845 गुणे 3/5 माइनस बड़े वाले भाग से छोटे वाले भाग को क्या कर देना है, घटा देंगे। 333 गुणे 2/3 ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 504 माइनस, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 222। तो हमारा घटाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 285। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर किस में चला जाएगा, दूसरे नंबर पे, 285 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे हम ये क्वेश्चंस क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं कि चार का मिक्सम संख्या दे दिया और कितना बड़ा है योग, ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। आइए और देखते हैं क्वेश्चन जो हमारे एसएससी में पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यदि एक संख्या के 6/5 के 3/5 का 1/4 कितना है, 54 है, हाँ तो संख्या क्या है, है ना। अब संख्या नहीं दी हुई है, एक संख्या बोल दिया, एक संख्या क्या है हमको क्या पता, नहीं पता। उसका क्या कह रहा है, उस संख्या का जो संख्या हमें नहीं मालूम है उसका 6/5 के 3/5 का 1/4 जो हमारा है वो कितना है, वो 54 है। तो संख्या क्या होगी, तो हमको इसमें क्या बताना है, संख्या बताना है। तो हम पहले संख्या कुछ भी मान लेते हैं, कि कुछ भी मान लिया, x मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो। तो मान लो x मान लिया मैंने कि हमारी संख्या क्या है, x है, ठीक है। अब उसका क्या कह रहा है, x का कितना, 6/5, तो गुणे 6/5, ठीक। फिर उसका कह रहा है 6/5 के 3/5, तो गुणे 3/5 कर दिया, ठीक। फिर कह रहा है उसका कितना का 1/4, तो इसका मतलब 1/4 कर दिया। ये का के जो बीच में आते हैं ना, इन सब का मतलब गुणा होता है बीच में। अगर योग और घटाना कम दिया है तो उसका मतलब प्लस और माइनस होता है। अगर जैसे का के बीच में से पूछ रहा है ना कि के है, के का ऐसे करके, तो उसका मतलब हमारा किससे होता है, सीधे डायरेक्ट गुणा से होता है कि गुणा करना है। ये गुणा कर दिया, उसके बाद बराबर कितना है, 54 के। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारे कितनी हमको संख्या बतानी, अब इसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स बराबर, मैं इसको यहाँ पे कर दे रही हूँ यहाँ पे, तो x बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 54 × 100/18, है ना, ये मिलेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कितना, 300, हाँ तो आंसर मिलेगा हमें 300। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये तीसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है सतत 5 संख्या का योग कितना है, 270, 500 संख्या का योग कितना है, 270 है। दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या होगा। अब हमारे 5 संख्याओं का योग कितना दिया है, 270, 5 संख्या दे दी। अब 5 संख्याएं कौन सी होंगी ये तो हमको पता नहीं है, बस ये कह दिया कि 5 संख्या है जिनका योग कितना है, 270 है। दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग हमें बताना है। तो पहले, उससे पहले हमें 5 संख्या देखनी होगी, 5 संख्या कौन सी है। तो हमने मान ली पहली संख्या x मान ली, ठीक, पहली क्या मान ली, पहली संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, फिर तीसरी x प्लस 2, ऐसे करके 5 संख्याओं का योग हम कितना निकालेंगे, 2। तो जैसे x से पहली मान ली, दूसरी योग बोल रहा है तो जोड़ेंगे, प्लस x प्लस 1 दूसरी संख्या मान ली, फिर प्लस x प्लस 2 तीसरी संख्या मान ली, फिर प्लस x प्लस 3 चौथी, फिर x प्लस 4 ये हमारी पांचवी संख्या। इनका योग कितना है, इनका योग हमारा है 270 है, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, दूसरी और पांचवी संख्या। अब इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5x + 10 बराबर कितना, 270, 270 हुआ। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें जो x की वैल्यू इसमें मिलेगी, तो x की वैल्यू जो मिलेगी, इसको इधर ले जाएंगे तो ये तो घट जाएगा, 260 हो जाएगा। तो 5x बराबर 270 माइनस 10 मतलब कि 260, है ना। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें x बराबर मिलेगा कितना, 260/5 मतलब कि x की वैल्यू मिलेगी 52, है ना। तो हमें जो संख्या मिलेगी, संख्या मिलेगी कितनी, 52, x बराबर मिलेगी 52। तो ये हमारी क्या मिल गई, संख्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, है ना, संख्या मिल गई। अब ये क्या कह रहा है कि दूसरी और पाँचवीं संख्या, दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, दूसरी संख्या एक तो हमारी ये है x प्लस 1, और पांचवी संख्या, देखो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये मान ली, तीसरी ये थी,
चौथी ये थी, पांचवी ये थी, है ना। तो क्या कह रहा है, दूसरी और पांचवी बोल रहा है ना, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी तो हमारी है एक x प्लस एक है, और पांचवी कौन सी है, x प्लस फोर है, तो प्लस x प्लस फोर योग बोल रहा है, पांचवी का योग कितना होगा, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, बावन, तो बावन प्लस एक प्लस बावन प्लस चार, ठीक। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम ऐसे ना करके इसको ऐसे कर दें, क्या करें, इसको हम ये इसको पहले जोड़ देते हैं, ये इसको, है ना, इसको ऐसे सॉल्व कर लें, 2x कर दिया और इसको कर दिया, ये एक्स एक्स जोड़ दिया और एक और पाँच चार जोड़ दिया, तो कितना हो गया, ये पाँच हो गया, 2x प्लस पाँच हो गया, है ना। तो x की वैल्यू अब इसमें डायरेक्ट रख देते हैं, तो दो गुड़े बावन और प्लस यहाँ तो पाँच है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 109। तो हमें मिलेगा कितना, 109। या तो इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, बावन जावन जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया, सब जोड़ दिया, तो भी हमारा आंसर 109 में मिल जाएगा। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले x x जोड़ दिया और उसके बाद इस चार और एक जोड़ दिया, पाँच हो गया, फिर हमने इसमें x की वैल्यू रख के गुणा कर दिया और पाँच रख गया और जोड़ दिया इसमें, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट x की वैल्यू रख के सबको जोड़ दो, या तो फिर पहले 2x कर दो फिर ऐसे करके, जैसे भी आपको ईजी लगे आप वैसे कर सकते हो, और हमारा आंसर मिलेगा हमें कितना, 109। तो 109 हमारा देखते हैं तो ऑप्शन में कोई है नहीं, 108 है, 107 है, 110 है, तो हमारा आंसर किस में चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर हो गया हमारा इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है लास्ट, कि एक संख्या के दो गुने और 42 के तीन गुना का योग कितना है, 238 है। तो संख्या के तीन गुना और 42 के दो गुने का योग कितना होगा, तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या, एक संख्या बोल रहा है, अब संख्या क्या है हमको यही नहीं पता, तो पहले मान लेते हैं, वही मान लिया हमने संख्या क्या है, x, x संख्या मान लिया हमने, अब हमने क्या, अब क्या कह रहा है कि एक संख्या के दो गुने, अब ये संख्या का क्या कह रहा है, दो गुना, तो ये दो गुना मतलब हो गया 2x, ठीक, 2x हो गया, और 42 के तीन गुने का योग बोल रहा है, तो 42 प्लस कर दिया 42, इसका कितना, तीन गुना, तो तीन से गुणा कर दिया, कितना है हमारा योग, 238 है, तो 238 लिख दिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x और बराबर 238 माइनस, ये इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा 126, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इसको जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 112, तो ये 2x बराबर 112, तो x बराबर जो हमें मिलेगी, कितनी वैल्यू मिलेगी, हमें मिलेगी 56, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 56 मिली। अब ये क्या कह रहा है, संख्या के तीन गुना, अब हमें संख्या मिल गई, क्या मिली हमें, हमने संख्या x ही तो माना था, x माना था, तो x की वैल्यू मिल गई कितनी, 56, तो हमारी संख्या क्या हो गई, 56 हो गई, तो 56 क्या कह रहा है, संख्या के तीन गुना, अब 56 का तीन गुना, तो यहाँ पे लिखेंगे 56 गुणा तीन, तीन लिख दिया, उसके बाद क्या कह रहा है, माइनस फिर 42 के दो गुने का कितना होगा, है ना, तो क्या कह रहा है, 42 के दो गुने का योग कितना होगा, योग बोल रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक, 56 का, अब 42 लिखा, 42 का दो गुना मतलब दो से गुणा कर दिया, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 168 प्लस, इसको जब करेंगे तो 84, सबको जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिलेगा कितना, 252, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 252 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस सारा खेल होता है, तो सब टाइम का खेल होता है कि आप कितनी आसानी से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमको ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है, एक घंटा मिलता है, और जिसमें हमको रीजनिंग भी करनी होती है, इंग्लिश भी करना होता है, मैथ के भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और जीके के भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और सारे से 25-25 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, खेल टाइम का ही है कि हम कितनी आसानी से कौन सा क्वेश्चन कितनी जल्दी कर लें, जितनी जल्दी सॉल्व कर लिया उतने नंबर हमें मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।